नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं अमेज़न पे उपलब्ध सबसे सस्ता सबसे अच्छा हेडफोन। चलिए बिना समय गवाए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये रहा हेडफोन का बॉक्स, तो फटाफट खोल लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलेगा ये ज़िब्रोनिक्स का ब्रांडिंग वाला एक छोटा सा पीस, और नीचे ही आपको मिलेगा आपका वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन। ये तीन कलर में उपलब्ध है, ब्लैक, ब्लू और ग्रीन। तो मैंने ब्लैक ही ऑर्डर किया था क्योंकि मुझे ब्लैक बहुत ही पसंद है। तो इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं और क्या क्या मिलता है आपको इस बॉक्स के अंदर। तो सबसे पहले मिलेगा आपको एक ऑक्स केबल और एक यूएसबी टू माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल, और हर बार की तरह एक यूजर मैनुअल जो मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। अगर आप पहली बार यूज कर रहे हैं ये हेडफोन, वायरलेस हेडफोन, तो आप जरूर इसे पढ़िएगा। तो यही तीन चीज मिलेगा आपको इसके साथ में। तो बात कर लेते हैं हेडफोन के बारे में। तो शुरू करते हैं लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड में मिलेगा एक ज़िब्रोनिक्स का लोगो, और इस तरफ राइट साइड में भी आपको ज़िब्रोनिक्स लोगो मिलता है। हेडफोन का कुशन काफी सॉफ्ट है और काफी आरामदायक है। अगर मुझे लगता है कि आप इसे दो घंटे भी यूज कर ले तो आपको कानों में दर्द नहीं होगी। ऊपर की तरफ आपको फिर से मिलता है एक ज़िब्रोनिक्स का लोगो और वही सॉफ्ट कुशन जो काफी अच्छा है। नीचे की तरफ देखें तो आपको मिलता है चार्ज इंडिकेटर लाइट, चार्जिंग पोर्ट, 3.5mm जैक, माइक्रोफोन और तीन बटन। तो ये कुछ चीजें हैं हेडफोन के अंदर। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गया, इसमें आपको RGB लाइट भी मिलता है जो मुझे काफी पसंद है। अगर आप गेमर है, स्ट्रीमर है, तो आपको ये हेडफोन जरूर लेना चाहिए। तो चलिए इसे ऑन करके कनेक्ट कर लेते हैं अपने फोन के साथ। तो ऑन करना बहुत ही आसान है, आपको इस तीन बटन के बीच वाले बटन को दबाए रखना है 2 सेकंड के लिए, तो आपको सुनाई देगा ज़िब्रोनिक्स फॉर लाइफ। और साथ में आप जब इसका RGB लाइट देखेंगे तब समझ में आ जाएगा कि ये ऑन हो चुका है। अब आप देख सकते हैं RGB लाइट जल चुका है, लेकिन आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। RGB का कंट्रोल आप अपने फोन से नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिक चेंज होते रहेगा हर कलर में। तो चलिए इसे अपने फोन में कनेक्ट कर लेते हैं। इसे पेयर करना बहुत ही आसान है। सेटिंग में जाइए, ब्लूटूथ ऑन कीजिए और नीचे आपको मिल जाएगा जेप ड्यूक नाम का लिखा हुआ, क्लिक कीजिए। और ये मेरा कनेक्ट हो चुका है। एंड दैट्स ऑल, यू आर गुड टू गो नाउ। जब आप इसमें म्यूजिक प्ले करेंगे तो इसका म्यूजिक क्वालिटी भी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा 3D इफेक्ट देता है और बैस के साथ है, आपको बहुत अच्छा बैस में मिलेगा। तो ये हेडफोन मेरे तरफ से मस्ट बाय है। अब बातें कर लेते हैं इसके प्रोस और कॉन्स के बारे में। हर चीज में प्रोस और कॉन्स होते हैं, तो इसमें भी कुछ प्रोस है कुछ कॉन्स है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला प्रोस इसमें ये है, तो इसका स्टाइल है वो काफी अच्छा लगा मुझे, काफी मॉडर्न है, काफी डिजाइनदार है। लेकिन इसका जो बिल्ड क्वालिटी है, जो मटेरियल से बना हुआ, वो देखने में थोड़ा प्लास्टिक, चीप प्लास्टिक लगता है मुझे। और साथ में एक और बात कर ले तो, अगर आप जब इसमें गाना सुनेंगे, जब आप इसको हाई वॉल्यूम या मिड वॉल्यूम में रखेंगे, तो बाजू वाले बैठे हुए आदमी को भी आपके गाने सुनाई देगी। वैसे तो नॉइस कैंसलेशन के बारे में इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बगल में बैठे हुए आदमी को भी साफ साफ वो गाना सुनाई देगी जो आप सुन रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही खराब लगी। और एक और चीज़, इसमें RGB लाइटनिंग है तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको RGB कंट्रोल का ऑप्शन देना चाहिए था। तो ये रहा अनबॉक्सिंग, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। मैं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि कभी भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।